शिवपुरी में सैकड़ों गायों के शव से पटा जंगल। नजारा देख इलाके में फैली सनसनी। जांच में जुटे अधिकारी। शिवपुरी जिले के करैरा तहसील के ग्राम सल्लरपुर में एक हैरत में डालने वाला नजारा देखने में आया है। यहां करैरा तहसील के ग्राम सल्लरपुर में सैकड़ों गायों के शव जंगल में पड़े हैं। कुछ गाय जिंदा भी है। ये गाय शिवपुरी झांसी राजमार्ग से महज 500 मीटर को दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर पड़ी है। इतनी बड़ी संख्या में मृत गाय देखकर ग्रामवासी हैरान परेशान हैं। करैरा से 2 किलोमीटर दूर हाईवे से ग्राम सिल्लापुर में गायों के शव की सूचना के बाद प्रशासन ने जांच की बात कही है। बताया जा रहा है कि मृत गायों के पेट से पॉलिथिन निकल रही है। इस मामले में पशुपालन विभाग के उपसंचालक डॉक्टर MC तमौरी ने कहा कि यह गाय किसी गौशाला की नहीं है, फिर भी मामले की जाँच कराई जा रही है। करैरा के सिल्लापुर गांव है, इसमें बड़ी संख्या में जंगल में मृत गायों की शव मिली है। सर क्या पूरा क्या मामला है? जैसा कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित जो है कल की जो है ये न्यूज है कि करैरा तहसील के जो है अंतर्गत जो है जो सिलानगर गांव है उससे लगा हुआ जो है 3-4 किलोमीटर पर, करैरा जो है नगर पालिका क्षेत्र से 3-4 किलोमीटर पर लगा हुआ जो है फॉरेस्ट का जो है क्षेत्र है, नर्सरी है फॉरेस्ट की। वहाँ पर करीब 25 से 30 जो है मृत जो है गोवंश के शव जो है मिले हैं। सर एक साथ इतने शव मिलने का क्या कारण हो सकता है? ये एक्चुअल में क्या है कि जैसा कि आपको मालूम है करैरा जो है जो नगर पालिका क्षेत्र है जो तहसील है नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, तो जो रोड पे जो है नेशनल हाईवे पर जो दुर्घटनाग्रस्त जो पशु हो जाते हैं, जो मृत पशु हो जाते हैं, वो पशु एवं जो है नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने में जो पशु जो है आवारा जो निराश्रित गोवंश है जो घूमते हैं, इनकी सामान्य जो है मृत बीमारी से जो है होती है जो है या दुर्घटना से होती है, उन पशुओं को क्या नगर पालिका जो है के कर्मचारी वहाँ जो है फॉरेस्ट का जो नर्सरी हुआ लगा हुआ क्षेत्र है उसमें डालते हैं। जबकि शासन द्वारा जो है और गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए हैं और हमारे द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है कि गोवंश को एक सम्मानपूर्वक और वैज्ञानिक विधि से जो है सम्मानपूर्वक जो है उनको जो है अपनाया जाए, न कि जो है खुले में जो है मृत पशुओं को डाला जाए। क्योंकि क्या है कि अधिकतर क्या है कि पशु जो निराश्रित गोवंश है ना, तो उनका क्या है कि कोई देखभाल नहीं करता है और गांव वाले क्या है कि फसल को बचाने के चक्कर में शहर में छोड़ देते हैं शहर की तरफ। तो ये पशु जो सामान्य जो है तरह जो मृत होती है वो पशु है, न कि कोई बीमारी से या कोई संक्रामक जो है रोग से जो है ग्रसित पशु जो है उनकी मृत हुई है।